Good evening. You are watching Rajya Sabha Television. I am Smriti Rastogi with Rajya Sabha News. Let's begin the bulletin with the headlines. Rajya Sabha passes Human Rights Protection Amendment Bill. Bill provides for appointment of a woman member in the commission and former Supreme Court judge as chairman. Lok Sabha approved the bill on Friday. Rajya Sabha lauds ISRO for successful launch of Chandrayaan 2. Chairman M. Venkaiah Naidu says achievement of scientists has enhanced the country's pride and confidence. And Upper House witnesses multiple adjournments due to disruptions over Karnataka and violence in Sonbhadra. 0 hour question hour washed away despite repeated appeals by chairman. Rajya Sabha passed the Protection of Human Rights Amendment Bill 2019 on Monday. The bill was passed by a voice vote. With this, the bill has been passed by both the houses of the parliament. The bill will expedite the process of appointment of chairperson and members of NHRC and state's human rights bodies. Replying to the debate on the bill, Minister of State for Home Affairs, Nityanand Rai, said the changes in the bill will strengthen the human rights commissions. Home Minister Amit Shah also stressed on the need for amendments in the bill. Nagrikta ek bahut hi महत्वपूर्ण मामला है, संवेदनशील है और विदेशी नागरिकों के या अवैध नागरिकों के जो छटाई हो रही है, जिसको प्रमाण देने के लिए कहा जा रहा है, प्रमाण न प्रस्तुत करने की स्थिति में अगर ऐसी स्थिति आती है तो डिटेन करने का प्रावधान है, लेकिन उसको कोई कष्ट नहीं। अध्याय दो की धारा चार के तरफ आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट की है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? गृह मंत्री के सिफारिश पर प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। इसके लिए कमिटी बनी है, कमिटी में कौन है? प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, गृह मंत्री हैं, विपक्ष के दोनों सदनों के नेता हैं, राज्यसभा के उपसभापति महोदय स्वयं है, और इतने सारे लोग जब मिलकर लगभग यूनेनिमिटी के साथ कोई किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करते हैं और उस पर भी हम संशय खड़ा करेंगे मान्यवर, तो मैं नहीं मानता कोई भी लोकतांत्रिक संस्थान काम कर पाएगा। ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द बिल द मेंबर्स रेज्ड सेवरल इश्यूज इंक्लूडिंग मॉब लिंचिंग एंड कस्टोडियल डेथ्स। द ऑपोजिशन ऑल्सो डिमांडेड अ फ्यू अमेंडमेंट्स इन द बिल बट विथड्रू देम आफ्टर द अश्योरेंसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमने विश्व सभ्यता के सामने प्राचीन काल से पूरा आदर्श प्रस्तुत किया है। भारत वैश्विक स्तर पर साथ ही देश में भीतर मानवाधिकार संरक्षण और संरक्षा, भारत ही ऐसा देश है जो मानवाधिकार को संरक्षण देता है और सुरक्षा देता है। ह्यूमन राइट्स होता है जब आपके राइट्स का हनन होता है, जो हनन कॉन्शियंस के विपरीत होता है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल चीज आती है। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर इसमें अच्छा सा डिबेट होता, अच्छे से कंसिडरेशन होता, इट हैड गॉन टू अ सेलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी, मे बी हम वी कुड हैव ब्रॉट अ बेटर अमेंडमेंट व्हिच वुड हैव सर्व्ड दिस कंट्री बेटर। दो ऐसे संशोधन हैं जिनके जरिए मानवाधिकार और कमजोर हो जाएगा। आयोग ये जो रीअपॉइंटमेंट का मामला है, जिन जिन अधिकारियों को, मेंबर्स को या जो चेयरमैन हैं, जिनको ये होगा कि हमें दोबारा बनना है, तो कोई रिपोर्ट ऐसी कभी नहीं देंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ। आज भी कितने लोग हैं जिनको घर नहीं है, जिनको रोटी कपड़ा मकान नहीं है
आज भी इतने लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनके मानव अधिकार के बारे में हमने अब तक सोचा नहीं है। ये भी मानव अधिकार का एक काम है, सरकार का काम है। जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, तब से अधिकारों का पालन होना, काम करना शुरू हुआ, ये भी सोचना पड़ेगा। दिस बिल नॉट एड्रेसिंग द प्रेजेंट सिचुएशन प्रिवेलिंग इन दिस कंट्री। द बिल रेजेस सीरियस क्वेश्चंस एंड डाउट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स इंटेंशन टुवर्ड्स एंश्योरिंग एनएचआरसी एंड एसएचआरसीज are autonomous and independent as required according to the United Nations Paris Principle. The bill amends the Protection of Human Rights Act 1993. It seeks to allow a Supreme Court judge, apart from the Chief Justice of India, to be appointed chairperson of the National Human Rights Commission of India. It also increases the number of its members from 2 to 3. The proposed amendment provides for a reduction in the tenure of chairpersons of the National and State Human Rights Commissions to 3 years from the present 5 years. Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu and Lok Sabha Speaker Om Birla praised ISRO for the successful launch of Chandrayaan 2. Bharatiya Antarish अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपराह्न 2:43 जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे स्वदेशी मिशन चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का पहला मिशन है। इस प्रक्षेपण के साथ ही देश ने अंतरिक्ष में हमारे प्रयासों के संबंध में हमारी शक्ति एवं क्षमता का प्रदर्शन किया है। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि ने हमारे गौरव को बढ़ाया है। ये सभा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के सभी वैज्ञानिकों को उनके दिन रात के अथक प्रयासों के लिए उनको बधाई देती है और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए अच्छे प्रयासों के लिए भी ये सभा माननीय प्रधानमंत्री जी और बिना वैज्ञानिकों के संबोधन में भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बधाई दी। भारतीय वैज्ञानिकों और हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सफल यापान चंद्रमान की वजह सबको मैं बधाई देता हूँ। देयर इज अ गुड न्यूज, इट गिव्स मी ग्रेट हैप्पीनेस टू इन्फॉर्म द हाउस दैट चंद्रयान 2 हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस from Sriharikota range SAR a short while ago. I extend heartiest congratulations to all our countrymen and scientists and personnel of ISRO and Department of Space on behalf of the entire house and also on my own behalf on this momentous achievement. Chandrayaan 2 has been launched aboard the first operational flight of the indigenously developed and manufactured GSLV MK3. This is the most powerful Indian rocket to date. The vehicle as well as Chandrayaan 2 are fully designed and fabricated in India. Therefore, our scientists deserve special compliments. Their achievement has enhanced the country's pride and confidence. This development represents a golden chapter in the history of not only the development of science and technology in India, but also of the country itself. And proceedings of the Rajya Sabha were washed out in the pre-lunch period on Monday after members of the opposition parties protested over the Karnataka political crisis and violence in Sonabhadra. Chairman M. Venkaiah Naidu clarified that the Karnataka issue was sub judice and made repeated appeals to allow the house to function. Here are the details.
The upper house witnessed two adjournments in the pre-lunch session that stalled 0 hour and washed away question hour. As opposition members raised issues of political turmoil in Karnataka and the Sonbhadra violence incident, Chairman Naidu urged members to allow the house to function. Please sit down, don't take the rights of the members. There are 20 zero-hour mentions which are important, I have admitted. Nothing shall go on record. As the protests continued unabated, the chairman adjourned the house till noon. When the house reassembled, protests again paralyzed the proceedings of the house. With no visible respite in sight, the deputy chairman adjourned the house till 2 p.m. Assistance adjourned till 2 p.m. Kriti Mishra's report, Rajya Sabha TV. The upper house on Monday condoled the demise of senior Congress leader and former Delhi Chief Minister Sheila Dixit, who passed away on Saturday. Chairman Naidu noted that she was the longest serving Chief Minister of Delhi and did pioneering development work during her 15-year tenure. Members also observed silence as a mark of respect to the memory of the departed soul. Srimati Dixit was also a member of the Delhi Legislative Assembly for three consecutive terms from 1998 to 2013 and was the longest serving Chief Minister of Delhi for a period of 15 years. During her chief ministership, she pioneered many developmental activities including improvement of infrastructure facilities in Delhi. She also served as the Governor of Kerala for a brief period. In the passing away of Srimati Sheila Dixit, the country has lost a distinguished parliamentarian and an able administrator. We deeply mourn the passing away of Srimati Sheila Dixit. I request the members to raise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. And that's all we have for you in this edition. Thank you for watching.